चलिए जी, हम लोगों ने यहाँ पे 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद यस चलिए ठीक है जी, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं आज। चलिए 16 क्वेश्चन, द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल के क्वार्टाइल्स आपको गिवन है, कौन कौन से क्वार्टाइल गिवन है, 45, 52, 65, ये आपके क्वार्टाइल गिवन है। जो ये क्वार्टाइल होते हैं ना बेटा, Q1, Q2 और Q3 कहते हैं, क्या कहते हैं, Q1, Q2 और Q3, इट इज क्वार्टाइल डाइवेशन। आपको निकालना है QD, क्या निकालना है बेटा, QD, QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब यहां पे Q3 कितना हो गया, 65, और Q1 कितना हो गया, 45 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया बताओ, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया 10। मैंने कल क्लास में लिखवाया था QD के फॉर्मूले आपको। हाँ जी दोस्त, ये चल रहा है चैप्टर नंबर 14 का, सेट बी का यूनिट 2, और आज फिनिश हो जाएगा चैप्टर नंबर 14, ठीक है राइट। उसके बाद राजिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड, एक्स और वाई रिलेटेड है, ये इक्वेशन गिवन है, QD इसका कितना है, 12, क्या निकालना है, QD ऑफ वाई निकालना है, क्या निकालना है, आपको पता है QD ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है ऑफ वाई मॉडुलस बी इंटू QD ऑफ एक्स ही होता है बेटा। अब मॉडुलस बी के लिए यहां से पहले वाई की वैल्यू निकालो, क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x + 4y = 20, तो 4y = 20 माइनस 3x, y = 20/4 माइनस 3x/4। तो अब QD ऑफ वाई, तो B कितना हो गया, B होता है बेटा, अगर आपको अच्छे से याद हो, ये X के साथ जो वैल्यू कितनी है, माइनस 3/4 का मोड इंटू QD ऑफ X कितना दिया हुआ है, 12। अब कोई चीज मोड में होती है बेटा, क्या आती है वो, प्लस में आती है, कितना आ गया, 3/4 इंटू 12, कितना आ गया, 3, दैट इज कितना आ गया, 9, दैट्स योर आंसर इज 9। चलो उतार लो ठीक है, तालिया शाबाश। 1 मार्च को आपका टेस्ट है, जिसको आप बता दिया गया था चैप्टर कौन कौन से आएंगे, चैप्टर 14 TBM और इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर भी हुआ नहीं है, हो जाएगा, ये वो 3 क्लास के ही है। चलिए हो गया तालिया, चलो जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, ध्यान से करिएगा आप सब लोग, कहा जा रहा है 18 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ SD ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कह रहा है हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उनका SD कितना दिया हुआ है, 2। अबे पता है कि SD ऑफ नेचुरल फॉर्मूला क्या होता है, n² - 1/12 में लिखवाया था, ये SD होता है नेचुरल नंबर का। अब क्वेश्चन में SD ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 2, तो यहां पे 2 लिख दूंगा, 2 = √n² - 1/12, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2² = 4, और यहां से रूट हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कितना आ गया, 48, इधर आगे प्लस का 1 = n²
तो 49 इक्वल टू एन स्क्वायर, एन इक्वल टू बस हो गया। शादा भाई नहीं है अभी हमारे आज, सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी क्लास। ठीक छे, यस प्लीज कम। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आता है 19 क्वेश्चन। क्या कहता है 19 क्वेश्चन? एक्स एंड वाई रिलेटेड, एक्स और वाई रिलेटेड है, एस डी एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स। एस डी दिया हुआ है 5 एक्स का और मीन दिया हुआ है 10। कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन वाई, वाई का निकालना है कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस। तो याद होगा कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला होता है एस डी ऑफ वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100। तो पहले मुझे एस डी ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, मीन ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो एस डी ऑफ वाई क्या कहता है? एस डी ऑफ वाई कहता है सर मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। तो मॉडुलस बी कितना दिया हुआ है यहां पे 2 इंटू एस डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 5। तो कितना हो गया एस डी ऑफ वाई 10 हो गया, ये एस डी ऑफ वाई हो गया बेटा। अब देखो क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन ऑफ वाई। तो मीन की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 10। तो आप ना एक्स की जगह 10 पुट कर दो तो जो वाई आएगा 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना आ गया 25, ये मीन ऑफ वाई हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो क्या है एस डी ऑफ वाई कितना दिया हुआ था 10, मीन कितना है 25 इंटू 100 दैट इज 4 इंटू इक्वल टू 40। चलिए एक एक क्वेश्चन कराए मैंने आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा दिए इसके। लास्ट क्वेश्चन बचा है 20वां, वो भी कराया था मैं आपको। उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा इसके, जैसे उसके कहा सेट अटेंडेंसी के, इसके भी करेंगे हम। अभी टीवीएम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे उसके, टीवीएम के आज एन्यूटी के वो कराए जाएंगे। नहीं क्या चला था हमारा कंपाउंड हो गया था ना, आज डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे ना, डिफरेंस वाले होंगे ना, कंपाउंड सिंपल इनवर्स डिफरेंस जो होता है वो होंगे। अच्छा चलिए हो गया, ये हो गया तो नहीं होते वो डिफरेंस वाले। चलो अच्छा चलिए दादी, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सेट सी नहीं करना इसका, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं सेट सी भी कर रहे होते हैं, तो कृपया करके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सेट सी नहीं आता इसका। चलिए अब 20 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं।
आप ही लोग जवाब दीजिएगा। मान लो कोई दो नंबर है, जैसे एक नंबर दो है, एक नंबर तीन है, इनको मैं ऐड करता हूं कितना आएगा, इनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो, चलो कोई एक नंबर हो लेते हैं, एक नंबर लेते हैं आठ, एक नंबर लेते हैं दस, इनको मैं ऐड करूं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, कोई भी दो नंबर ले लो जो आपका मन करे, वन वन को छोड़ के, वन इज अ यूनिक नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो, चलो टू फोर को ऐड करो, टू फोर की मल्टीप्लाई करो, आप नोटिस क्या कर रहे हो कि दो नंबर का जो टोटल है वो हमेशा मल्टीप्लाई से क्या होगा, कम ही होगा, कि दो नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी हमेशा ज्यादा होगी किससे, उसके टोटल से, हमेशा देखो ना कोई भी दो नंबर लेके हो उनका जो सम होगा वो उनके मल्टीप्लाई से हमेशा क्या होगा, कम होगा, मल्टीप्लाई हमेशा ज्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द मीन एन एस डी फॉर ए बी टू, कह रहा है एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर टू है, इसका मीन कितना है, थ्री, एस डी कितना है, टू बाय, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, निकालो, क्या निकालो, अच्छा जी मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले मीन निकालो, मीन निकालते हैं ए प्लस बी प्लस टू डिवाइड बाय थ्री, ये मीन कितना दिया हुआ है, कितना दिया मीन, थ्री, तो थ्री के बराबर, तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू नाइन आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू, इसका दो नंबर का टोटल कितना आ रहा है, अब इसका मतलब ए इंटू बी की जो मल्टीप्लाई होगी सात से ज्यादा ही होगी ना, या तो आठ नौ दस जो भी होगी, ये बताओ सात से बड़ा कौन सा नंबर है इसके अंदर, बस यही हमारा आंसर है। भाई दोनों का टोटल अगर सात आ रहा है तो इनकी मल्टीप्लाई सात से ज्यादा ही आएगी ना भाई साहब, तो क्या सात से ज्यादा एक ही ऑप्शन कितना, दैट्स ऑल, वरना इसको सॉल्व करते तो काफी लेंथी प्रोसेस होता है। हाँ जी कर लिए क्वेश्चन सारे, पीछे बालक ये भी कर लिए, उतार लिया ये, टू बाय थ्री का यूज ही नहीं किया मैंने, हाँ लिखे लेकिन मैंने यूज नहीं किया, मेरा आंसर आ गया, मैं क्यों यूज करूं, इसे तो ट्रिक कहते हैं। हाँ जी हो गया, चलो जी अब कुछ थ्योरी के क्वेश्चन। सेट ए, सेट ए के क्वेश्चन थ्योरी के, सेट ए सेट ए का पहला क्वेश्चन। हाँ जी सब लोग तैयार हो थ्योरी पढ़ने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कह रहे कि दो ऑब्जर्वेशन हैं, क्या दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन मोड मीडियन बराबर हो सकता है, और एस डी एम डी क्यू डी बराबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि एस डी एम डी क्यू डी में एक रिलेशनशिप था, मैंने बोला था
ठीक है, बता ना 10, 12 और 15 का, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं झुकते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर और डिस्पर्जन। कह रहा है कि दो ऑब्जर्वेशन का मीन मोड मीडियन बराबर हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या, अच्छा एक मिनट यार, ऐसा तो हो सकता है, मान लो मेरे ऑब्जर्वेशन ये दोनों सेम ही हो सकता है, तो ये तो सब कुछ ठीक हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे डिफरेंट एसेंडेंसी बट आइडेंटिकल, बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस अवॉइड है, क्योंकि हो सकता है नंबर ही सेम हो दोनों के, ऑब्जर्वेशन तो उनके वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, मीन मोड मीडियन हो सकता है। याद है मैंने आपको एक रिलेशन बताया था किसका, मीन बराबर मोड बराबर मीडियन, किसमें सिमेट्रिकल में बराबर होता है, और वैसे क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन ठीक है इसके, सॉरी सारे ऑप्शन ठीक है, ठीक है डी ऑप्शन। चलिए अगला, ये डिस्पर्जन का मतलब क्या था भाई, डिस्पर्जन का मतलब क्या था, द स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हां जी, इसका मतलब ही समझ में नहीं आया सर, स्कैटरनेस का मतलब क्या होता है, दूरी पर, दूरी पर, और कंसंट्रेशन होता है एक जगह, तो डिस्पर्जन क्या था, क्या मेजर करता है डिस्पर्जन, कि भाई सेंट्रल वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए थर्ड कीजिए, व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम दो या दो से ज्यादा में कंपेयर करते हैं भाई साहब, क्या कहलाता है, कंपेयर करने के लिए, अगर याद हो मैंने आपको एक कहा था कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस, याद है क्या कहता, कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस, याद है ना, कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंस है, तो कौन सा में जो होता है वो एब्सोल्यूट या रिलेटिव। मैंने आपको डिस्पर्जन के दो मेथड कराए थे, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट में सारे एस डी एम डी क्यू डी ये होते थे, इनके कॉफिशिएंट किस में होते थे, रिलेटिव में, कॉपी के पहले पेज में देखिए लिखा हुआ है, तो क्या आएगा इसका, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तीसरा, चौथा, विच वन इज इजियर टू कंप्यूट, सबसे आसान क्या निकालना है भाई साहब आपके हिसाब से, रेंज निकालना सबसे आसान है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। चलो आगे, चलिए अगला, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में 6 बार आया हुआ है, जो पांचवा क्वेश्चन है ना ये पेपर है 5-6 बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे फोकस कीजिए, इसको स्टार बना लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं अच्छे से रटूंगा, मतलब याद करके जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है ये बताइए, एब्सोल्यूट मेजर कौन से हैं, एब्सोल्यूट मेजर कौन से, अरे सर सारी तो होते हैं एस डी एम डी क्यू डी, सारी होते हैं, क्या होते हैं ये, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, विच मेजर डिस्पर्जन मोस्ट यूज, बताया था मैंने मीन सेंट्रल टेंडेंसी में मीन होता है, और डिस्पर्जन में क्या होता है आपको, एस डी, एस डी सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, एस डी सबसे ज्यादा यूजफुल मेजर होता है। चलिए आगे, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ, अगर आखिर की वैल्यू गैप कर दी जाए तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा,
मीडियन पे, याद करो आप मीडियन पे, क्योंकि मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू ली जाती है। जब आखिर वैल्यू को हटा दिया है तो मीडियन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मीडियन किस में यूज होता है इसमें बताओ, रेंज में होता है, एसडी में होता है, एमडी में होता है, क्यूडी में होता है। लगा सबसे ज्यादा मीडियन निकलता है एमडी में, मीन डिवीजन में। मीन हर नंबर में से क्या घटाते हैं, एमडी घटाते हैं, वो मीडियन घटाते हैं, याद है? ऐसे यार भूल गए आप लोग, एक्स माइनस मीडियन, और ऐसे मोड निकालते थे, याद है आपको? चलो ये सारे क्वेश्चन रट्टा मानने हैं आपको, थ्योरी आती है। अब बच्चा क्या करता है, पढ़ता तो है नहीं थ्योरी। अगला, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिवेशन ओनली। एब्सोल्यूट डिवेशन का मतलब होता है एक्स माइनस मीन का मोड, या एक्स माइनस मोड का मोड, या एक्स माइनस मीडियन का डिफरेंस का मोड, किसमें होता है यूज बताओ? आई मीन डिवेशन। चलो चलो जी आगे बढ़िए। चलो, विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जिसमें 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, बताओ कौन सा आंसर होगा? 50% 50%। अरे भाई साहब आप लोग ना सच में इंटेलिजेंट हो लेकिन बताते नहीं हो। आपको पता है Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है, ठीक है? आपको पता है मैंने आपको क्या बोला था, QD, QD क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, तो बीच की वैल्यू नहीं आ गई है। अब बीच की वैल्यू क्या होती है, 50%, तो ऑप्शन नंबर बी। और एक बात यार, एक यही बड़ा होगा आपने, Q2 क्या होता है, Q3 प्लस Q4 अपॉन 2, और Q2 को क्या कहते हैं, मीडियन, और मीडियन Q2 नहीं होता, 50% होता है मीडियन, सेंट्रल वैल्यू उसको। चलो जी कोई बात नहीं जी, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, थ्योरी पढ़ने के नाम पे तो जान निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या होगा, किसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है, हैं? हाँ जी बताइए, किसके अंदर सारे ऑब्जर्व, क्या लिखा हुआ है, किसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे हमारे, क्या नाम है इनका दोस्त, आप? हाँ जी बताइए, एमडी के अंदर, ओके, एसडी में सारे नहीं लिए जाते, और किस में नहीं लिए जाते, क्यूडी में लिए जाते, क्योंकि क्यूडी में क्या होता है, ओनली Q1 और Q3 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन वालों की भी हालचाल ले लूं, क्या कर रहे हैं वो, MDSD, ओके बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या आएगा, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ, ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें लेस देन और मोर देन की बात होती है,
और लेस देन मोर देन किसमें होता है? मीडियन में। और मीडियन से क्या निकलता है बेटा बताओ? है मीडियन से एमडी नहीं निकलता? क्या निकलता है मीडियन से? एमडी निकलता है, है? और मीडियन से और क्या निकलता है? बोलिए। अरे भाई साहब, मीडियन से एमडी भी निकलता है, लेकिन एमडी जो है मीन से भी निकलता है और मोड से निकलता है। तो मीन और मोड में ओपन क्लास इंटरवल नहीं चलता, लेकिन क्यूडी किससे निकलता है? मीडियन से निकलता है, क्योंकि क्यूडी बिल्कुल मीडियन की तरह ट्रीटमेंट होता है, Q1 Q2 Q3 का। तो इसमें क्या आएगा? क्वार्टाइल डाइवेशन। हाँ भाई, मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 बताओ। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, जिसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती हैं। देखो सभी की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन लेकिन याद करो, मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। याद है आपको मैंने लिखवाया था, मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। मीडियन निकलता कौन ली? या तो दो वैल्यू के एवरेज या एक वैल्यू। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी बताइए क्या आएगा। अरे इसमें भी मीडियन यूज होता है, इसमें भी मीडियन यूज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डाइवेशन में मीडियन यूज, तो एचडी की प्रॉपर्टी होगी, एमडी और क्यूडी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। हाँ जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसके आगे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। 14 क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ये भी स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पे भी। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आएगा फटाफट से। इफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन द सेम, एक कंपनी का प्रॉफिट हमेशा सेम रहता है पूरे 10 महीने का, तो उस केस में एसडी क्या होगा? अगर मैं कहता हूं एक्स जो है यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो अब डिफरेंस निकालो जीरो आएगा ना, तो इसका एसडी ऑलवेज भी क्या होगा? जीरो। अगर सब प्रॉफिट सेम है तो एसडी क्या होगा? जीरो, क्योंकि आप एसडी मीन निकालोगे सब जीरो जीरो आ जाएगा। ये आगे चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगले का आंसर बताइए। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कंसिडरिंग फाइंडिंग ए पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन आफ्टर कंबाइनिंग सर्वर। कंबाइंड किस में निकलता है? एसडी में, मीडियन में, क्वार्टाइल में? केवल कंबाइंड एसडी किस में होता है? स्टैंडर्ड डेविशन था ना, D1 D2 निकला था, SD1 का स्क्वायर, SD2 का स्क्वायर। चलो जी अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसके आगे। 16 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। क्वेश्चन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का क्या होता है? प्लस और, अगर ओरिजिन में चेंज होता है तो भाई साहब ना तो रेंज पे फर्क पड़ता है, ना एमडी पे फर्क पड़ता है, ना एसडी पे। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ
दीज, किसी पे कोई इंपैक्ट, केवल स्केल में मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज होगा, प्लस माइनस करने में कोई चेंज नहीं होता। आगे इसकी रेंज बताओ कितनी होगी, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20, लोवेस्ट वैल्यू 9, तो कितना आंसर आ गया 11। चलो इसका एचडी निकालो, एचडी निकालना आता है, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ एक्स 10 16 10 16 10 10 16 16, पहले इसका मीन निकाल लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना टोटल आया, टोटल कितना आया 104, तो मीन निकालिए 104/8 कितना आया 13। अब हर नंबर में से मीन घटाना, उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 6 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9, कितना हो गया ये 72। तो एसडी निकालो, 72 का रूट डिवाइड बाय कितने नंबर है हमारे पास 8, कितना बचा 9, 9 का रूट कितना आया 3, आंसर इज 3। अगली क्लास में मैं आपसे सेट ए और सेट बी के सारे थ्योरी के क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे खड़े होकर सुनूंगा, सेट ए और सेट बी के थ्योरी के सारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, 40 से 40 क्वेश्चन मैं आपसे खड़े होकर पूछूंगा, बताइए इसका आंसर क्या है आपको, तो एकदम रट्टा मार के आ जाना है अच्छे से, क्योंकि आप ऐसे नहीं पढ़ने वाले हो, मुझे पता आपके अंदर, हम कितना कह ले अरे सर गुरुजी पढ़ रहा हूँ, गुरुजी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते गए गुरुजी हमारे, और फिर रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो आपको दुख, उससे ज्यादा दुख मुझे होता है। चलिए, दो नंबर का एसडी याद है, मैंने आपको बताया था एसडी लिखा था, दोनों के डिफरेंस का आधा, तो मैंने कुछ लिखवाया था ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको, क्या था एसडी इज हाफ ऑफ रेंज, देखो कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ था ये कॉन्सेप्ट एसडी का, ठीक है, एसडी इज अ रेंज ऑफ हाफ रेंज करके लिखवाया था मैंने, लिखा था ना बेटा, कॉपी खोल ले करो गलती से घर जाके, रेंज ऑफ हाफ लिखवाया था, एसडी इज रेंज ऑफ हाफ, तो हाफ ऑफ द रेंज आ गया एसडी। चलो आखिरी क्वेश्चन और देख लो क्या है, 20वां क्वेश्चन, अगर सभी नंबर को 10 से बढ़ा दिया जाए तो एसडी भी 10 से, नहीं कोई चेंज नहीं होता ना एसडी में ना एमडी में ना क्यूडी में, तो क्या आएगा ऑल ऑफ दिस थ्री रिमेन आर अनचेंज, लेकिन जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से एसडी मल्टीप्लाई, जितने से, ठीक है, तो कह रहा है If all observation are multiplied by 12, तो new SD also multiplied by 2, चलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके ये भी हो गए, अब कराएंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर 14 खत्म हो गया है, ठीक है, 14 14 नंबर का था, 14 नंबर का टाइम वैल्यू बनी 26 नंबर का, ओ सॉरी 12 नंबर मिनिमम, तो कितना 26 के तो हो गए ये। चलिए आगे, आगे बढ़ जाएं, चलो जी, तो ये हम लोगों ने सीखा गलती से एज सेंट्रल टेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी हेड डिस्पर्जन के क्वेश्चंस किए, अब हमने लास्ट क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी के वो क्वेश्चन कर लिए थे क्या पीवाईक्यू, अब किसके पीवाईक्यू करने हमें, डिस्पर्जन के पीवाईक्यू करने हैं।
डिस्पर्जन के पी वाई क्यू, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में एच डी होता है, एम डी होता है, क्यू डी होता है, आपको अच्छे से पता क्या क्या होता है। कंट्रोल कितना, 600 415। कौन से पेज पे था? 422 पे था ये, कौन सा पेज है भाई? ये 254 नहीं है, ये क्या मुसीबत है तो आई है। उस दिन तो आ रहा था, आज क्या हो गया? चलिए जी, आज तो ये नहीं आ रहा मेरी बुक में, नहीं आ रहा ना मेरे बुक में, छप पता नहीं क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं वो करता हूँ, आपसे बुक लेके कराया तो मेरे पास एक बुक और स्कैनर है, मुझे बताते रहिए कौन सा ईयर का है, कहाँ से स्टार्ट है, डिस्पर्जन बता देना। 2014 से चले निकालिए, 2014। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है 2014 का, चलिए 2014 का क्वेश्चन है पहला क्या है। टू थाउजेंड फोर्टीन क्वेश्चन में बताइए, पेज में बताइए, पेज नंबर 422, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142। एक मिनट, अपनी बुक दे दो, दिखी नहीं मुझे, ठीक है ना, कोई फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, मतलब Q1 दे रखा है 142 एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज इधर का 18, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज का मतलब होता है क्यू डी, कितना दिया हुआ है 18। अब क्यू डी अभी निकालना है, क्या है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन इक्वल टू होता है बेटा Q3
प्लस क्यू वन अपॉन टू, तो मुझे पहले क्यू थ्री निकालना पड़ेगा। अब क्यू डी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू इक्वल टू 18, ये टू इधर आ जाएगा, तो क्यू थ्री इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस क्यू वन, तो क्यू थ्री आ जाएगा 36 प्लस क्यू वन कितना है 142, तो बताइए क्यू थ्री कितना आया, ऐड कीजिए 178, क्यू थ्री आ गया। अब आपको निकालना मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है बेटा, 178 प्लस कितना 142 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 160। चलो द फर्स्ट आंसर इज 160। पहले सेमी इंटर क्वार्टर रेंज का मतलब होता है क्यू डी, और क्यू डी 18 है, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की वहां से क्यू थ्री निकाल लिया। अब मेरे पास क्यू वन और क्यू थ्री आ गया, दोनों को जोड़ दिया डिवाइड बाय टू कर दिया, मीडियन आ गया। मीडियन मतलब क्यू टू, क्यू टू ही मीडियन होता है। चलो जी आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्यू डी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्यू डी एस डी और सॉरी क्यू डी एम डी और एस डी का, याद है आपको 10, 12 और 15। यहां पे पूछा है क्यू डी के साथ एस डी का रिलेशन, तो क्यू डी बटे में एस डी कितना होगा 10/15, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3, तो क्यू डी कितना आ गया 2/3 ऑफ एस डी। कोई ऑप्शन है ऐसा, परसों भी कराया था ना ये बात, मैंने आपको लिखवाई थी, आपको मैंने कहा था ये आईसीआई की बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 16 का है, लेकिन यहां पूछ लेता क्वेश्चन कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब क्या गया 2015 की बात, 14 इज फिनिश, 2015 क्वेश्चन नंबर 3, वही बुक है हमारी वाली आरकेजी की। चलिए द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का एस डी कितना दिया हुआ है, एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ है 10, और एक इक्वेशन दी है क्या निकालना है एस डी ऑफ वाई, तो एस डी ऑफ वाई क्या होता है बेटा मॉडुलस बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, इक्वेशन क्या दी थी 50 + 5x, तो ये वाई मान लेंगे। ये बताओ मॉडुलस बी कितना होगा इसमें बताओ 5, और एस डी ऑफ एक्स कितना है 10, आंसर इज 50। चलिए जी ये क्वेश्चन तो किताब वाले जैसी है। चलिए फोर्थ, इसका फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन लिखो इसके आगे, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी ये बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या होता है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्यू थ्री प्लस, ठीक है यही होता है। अब मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इनटू, अब ये Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, QD होता है, क्वार्टर डेविएशन होता है, और Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 Q2 बन जाएगा, और Q2 क्या होता है मीडियन इनटू 100। अब ऑप्शन देख के बताओ क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक
नया फॉर्मूला बन के आ गया ये कोएफिशिएंट ऑफ QD का। तब की तब देखेंगे ना, अभी क्या ही सोचेंगे इतना बारे में, अभी तो मैं मंडे की सोच रहा हूँ। मंडे को क्योंकि 14 तारीख को हमारा फेस्टिवल है शब-ए-रात, और रात में थोड़ा जगना होता है, तो सुबह क्लास लेना में थोड़ा सा आलस आता है, तो वो सोचो कि मंडे का क्या होगा। चलिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 5, अगर हर एक नंबर को 5 से बढ़ा दें तो बताया क्या था भाई साहब, एच डी बढ़ेगा नहीं ना, तो क्या आएगा, कोई भी ना एच डी बढ़ेगा ना एम डी बढ़े ना क्यू डी बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ 3 वुड नॉट बी इंक्रीज बाय 5। ये क्वेश्चन किताब के क्वेश्चन है ये, तो दिसंबर वाला जून 2015 का भी खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब लिखिए 2015 दिसंबर का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमडी, एमडी की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या दिया हुआ है, 5, 8, 6, 3 और 4 ये दिया हुआ बेटा। एमडी निकालें क्या करते हैं, पहले इसका क्या करो टोटल मीन निकालो पहले, है बेटा ये टोटल कितना आया था 26, तो 26 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 5.2। मुझे लग रहा है क्वेश्चन करा करा तो लग रहा है, हाँ हर एक नंबर में से मीन घटाओ कितना बचा 0.2, कितना आया 2.8, 0.8, 2.2, 1.2 यही था ना, है यही है, घटाओ के देखो सही घटा रहे हैं कुछ गड़बड़ है। हाँ जी कितना टोटल आया 7.2, तो MD क्या हो जाएगा 7.2 को डिवाइड करो कितने नंबर है 5। ये किताब का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, किताब में था ना क्वेश्चन, कई बार तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं बट हम कर नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सातवां क्वेश्चन क्या था, रेंज। अरे बाबा इतना टफ क्यों दिया, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 10, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है इसमें 1, तो रेंज क्या हो गया 10-1 दैट इज 9। आठवां क्वेश्चन, इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स 23, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस वाई, तो आपको इक्वेशन दिए y इक्वल टू 2x+3, यहां सबसे निकालेंगे एस डी ऑफ y क्या होता है, मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ x, मॉडुलस b कितना होगा 2, एस डी ऑफ x, तो वेरियंस दिया था अगर 23 तो एस डी कितना होगा बेटा रूट 23, तो ये हो गया एस डी ऑफ y, लेकिन मुझे क्या निकालना है वेरिएंस क्या होता है एस डी का स्क्वायर, तो 2 × 23 का स्क्वायर कितना आ गया 4 × 23 दैट इज 92। ठीक है जी, देखिए घर जाके तुम भी करना कुछ क्वेश्चन, ये नहीं कि अली सर ने कसम खा के सारे वही करेंगे, कुछ आप भी करना प्रैक्टिस।
चलिए जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, 9 क्वेश्चन है। वेरिएंस दिया हुआ है कितना, 148.6। मीन दिया हुआ कितना, 40। क्या निकालना है, कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, एस डी अपॉन मीन इनटू 100। अगर वेरिएंस ये है तो इसका एस डी क्या होगा बेटा, इसका रूट निकाल दो। एस डी कितना हो बताओ, 12.165। यहां लिख दो 12.165। मीन कितना है, 40 इंटू 100, बताओ कितना है, 30.41। चलो जी, तो हमारा ये 2 दिसंबर 2015 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे टीवीएम के क्वेश्चंस, बाकी अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा इसका, इंडेक्स नंबर, और इसके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। मतलब 3-3 साल के अटेम्प्ट के पेपर कराता रहूंगा, आराम से पूरा हो जाएगा आपका ये। वैसे आप ट्राई करना, क्योंकि खुद भी ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा ना बेटा, क्योंकि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कर भी सकते हो, और कुछ ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो 16 से लेके 19 तक करके लाना, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग करने हैं टीवीएम का रिवीजन।